कहानी की शुरुआत में सीमियन के वानरों को दिखाया जाता है जो वानर राजा के दो पुत्रों के जन्म का स्वागत करने के लिए अपने पुश्तैनी पेड़ के पास एकत्रित होते हैं। राजा जिसका नाम सिमोन है सवाना डेजर्ट के एक पेड़ में दर्जनों वानरों पर शासन करता है। व्लादिमीर राजा का वफादार सलाहकार है जो राजा को समस्याओं के बारे में बताता है। हालांकि रानी एक के बजाय दो पुत्रों को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर है लेकिन दूसरा बंदर मजबूत और दिखने में स्वस्थ है। क्योंकि छोटा बंदर इस दुनिया में पहले आया था इसलिए वे सिंहासन का उत्तराधिकारी है। इसी बीच बंदर चुड़ैल वहां आती है। वे राजा को छोटे बंदर से छुटकारा पाने की सलाह देती है क्योंकि वे एक अपशगुन है। वे कहती है कि वे नेचर की एक गलती है और वानर उसे अपने राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब रानी सो रही होती है तब राजा बंदर को दूर करने के लिए बच्चे को व्लादिमीर को सौंप देते हैं। जब वे जागती है तो रानी अपने बच्चों की तलाश करती है और राजा से वादा करवाती है कि वे उनकी देखभाल करेगा और उसके बाद वे मर जाती है। किंग सिमोन क्राउन प्रिंस वानिया को इंट्रोड्यूस करता है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। व्लादिमीर कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए चट्टान पर ले जाता है। बच्चा व्लादिमीर के हाथों से चिपक जाता है जिससे उसका एक पल के लिए सही लेकिन उसका मन बदल जाता है। हालांकि व्लादिमीर की निष्ठा राजा के साथ है इसलिए वह बंदर को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच कमजोर बंदर सीधे भेड़िए के मुंह में नहीं गिरता बल्कि एक बेल पर लटक जाता है। भेड़िया अंत में बच्चे को बेल से निकाल लेता है और उसके एक हाथ को काट लेता है। इससे पहले कि भेड़िया बच्चे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सके एक दूसरा बंदर उसे बचा लेता है। बच्चा एक वानर की तरह चलने में असमर्थ है क्योंकि उसके दाहिने हाथ को भेड़िया ने काट लिया है। इसलिए उसका सेवियर जिसका नाम इयान है उसे अपनी पीठ पर सवारी करने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद कमजोर बंदर एडवर्ड नाम का एडल्ट वानर बन जाता है। वे अभी भी यान की पीठ पर सवार है क्योंकि उसका एक हाथ अब भी काम नहीं करता। वे दोनों अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। वे दूसरे वानरों से बहुत दूर चले जाते हैं। इयान को बोलने में समस्या है इसलिए वे ठीक से बात नहीं कर सकता। एडवर्ड अपनी छोटी सी जगह में कुछ अंजीरें ढूंढ रहा है जिसे उसने पत्तों से ढके एक छेद में रखा था। वे इयान से इसके बारे में पूछता है लेकिन वानर इसे इग्नोर कर देता है और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। एडवर्ड एक चूहे को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि चूहे ने उसका खाना खा लिया है। वे उसका पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन वे उसे अपने एक हाथ से पकड़ नहीं पाता। वे पेड़ के रस की तलाश करता है और उसे चूहे के जाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है लेकिन हॉर्न का साउंड उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हॉर्न बजने से पता चलता है कि कोको बॉल की शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा खेल है जिसे इयान और एडवर्ड काफी पसंद करते हैं। इयान जाने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि दोनों के साथ अक्सर अन्य वानरों द्वारा भेदभाव किया जाता है। एडवर्ड उसे जाने के लिए मना लेता है और वे खेल देखने के लिए शाखा पर बैठ जाते हैं। लताओं से लटके हुए वानर बॉल को एक खोपड़ी के मुंह के अंदर मारने के लिए इधर उधर फेंकते हैं और ये गेंद एक नारियल का फल है। वानिया स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी है और भीड़ द्वारा उसकी सराहना की जाती है। एक और मैच शुरू होता है लेकिन वे बीच में ही रुक जाता है जब इयान गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंत में वे सिर के बल गिर जाता है और इसी बीच गेंद उछलती है और एक छेद के अंदर गिर जाती है। बंदर नाराज हो जाते हैं और इयान को पीटने के लिए उसे घेर लेते हैं लेकिन एडवर्ड जल्दी से कुछ सोचता है और वे गेंद को बाहर निकालने के लिए पेड़ के चिपचिपे रस का इस्तेमाल करता है। वानर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया लेकिन तभी वानिया वहां आ जाता है और एडवर्ड से गेंद को ले लेता है। वानिया गेंद को फेंकने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ पेड़ के रस से चिपक जाता है। कई सारे वानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वे भी फंस जाते हैं। इसका अंत तब होता है जब गेंद उनके हाथों से निकलकर राजा सिमोन के सिर पर गिर जाती है। व्लादिमीर इसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वे राजा के बालों का एक ऊंचा खींच लेता है। राजा ये सब की शुरुआत करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। इसी बीच डाइन एडवर्ड को देखती है और व्लादिमीर से पूछती है कि क्या उसने बच्चे को उसके कहे अनुसार मार दिया था और व्लादिमीर पुष्टि करता है कि उसने बच्चे को फेंक दिया था। वे उसे धमकाती है और इसका समाधान खोजने के लिए उसे भेजती है। हालांकि वानिया इसे सुन लेता है और वे अपने पिता से किसी दूसरे वानर के सिंहासन को लेने के बारे में बात करता है। राजा सिमोन इसके बारे में कुछ करने का वादा करते हैं। एडवर्ड और इयान अपने घोंसले में सफेद पाड़ों के बारे में बहस कर रहे हैं
जिसका इयान हमेशा सपना देखता है। राजा के आदेश पर सरगेई और मार्सेल वहाँ दिखाई देते हैं। वे एडवर्ड को बताते हैं कि उसे राजा ने बुलाया है। राजा की उपस्थिति में एडवर्ड पर जादू का अभ्यास करने का आरोप लगाया जाता है। एडवर्ड एक बार फिर उन्हें समझाता है कि ये जादू नहीं है बल्कि कुछ तरकीबें हैं जिन्हें उसने खोजा है, और वे उनमें से कुछ तरकीबें राजा को दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। वे पत्तों से एक मुकुट बनाता है और एक पत्ते में पानी डालकर मिरर बनाता है। राजा पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है और वे अपने चेहरे को देखकर चकित हो जाता है। एडवर्ड राजा के लिए झूला बनाता है और उससे बातें करता रहता है। इसी बीच अचानक उन पर कीड़ों के झुंड द्वारा हमला कर दिया जाता है जो उस डाइन ने वहां भेजे हैं। राजा सिमोन को झूले से नीचे फेंक दिया जाता है और एडवर्ड पर चुड़ैल द्वारा हत्या करने के प्रयास का आरोप लगाया जाता है। वानिया उसे चट्टान से फेंकने का आदेश देता है और यान देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। राजा सिमोन ऊपर चढ़ता है और ये जानने की मांग करता है कि एडवर्ड को चट्टान से किसने फेंका। वानिया का कहना है कि उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राजा सिमोन वानिया पर एक सिमियन को मारने का आरोप लगाता है। एडवर्ड को पता चलता है कि उसे पेड़ से नीचे फेंक दिया गया है। इयान एक लता से लटक रहा है, लेकिन एडवर्ड इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। वे इयान को छोड़ देता है और रेगिस्तान की ओर चला जाता है। वे दो विशाल शुतुरमुर्गों को देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह में लटके अंगूरों का गुच्छा पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह वे उनकी तरह दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। इसी बीच भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है और उन तीनों को भागना पड़ता है। एडवर्ड पहले पीछे की ओर दौड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग के दौड़ने के तरीके को देखकर वे आगे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और ये देखकर खुश हो जाता है कि अब वे तेजी से आगे बढ़ सकता है और उसका एक हाथ अब उसके लिए बाधा नहीं बनेगा। दूसरे बंदर उसे दौड़ते हुए देखते हैं और उसे चीयर करते हैं। तीनों गेंडू से भरे एक खेत में दौड़ते हैं और इसे तब तक पार करते हैं जब तक कि गेंडे भेड़ियों को आते हुए नहीं देखते और दौड़ना शुरू नहीं करते थे। अब एडवर्ड के पीछे गेंडे और भेड़िए दोनों पड़ चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुंच जाता है और गेंडे उसके करीब आते जाते हैं। ये देखकर कि वे उन गेंडों से कुचलने वाला है, राजा सिमोन कूद जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वे उनमें से कुछ से लड़ता है, लेकिन जब वे देखता है कि एडवर्ड कुचला जाने वाला है वे इसके सामने कूद जाता है। इस वजह से राजा सिमोन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सिमोन को वापस ले जाने में मदद करने के लिए वानिया एक बैल को लेकर उनके करीब आता है। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहता है कि वे उसका पिता है। वानिया सिमोन के शरीर को ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि उसे अपना भाई समझने की सोचना भी मत। वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है और वे एडवर्ड से छुटकारा पाने के प्रयास में विफल होने के कारण व्लादिमीर को बर्खास्त कर देता है। सरगेई व्लादिमीर की जगह लेता है और अब वानिया के लिए वाइफ चुनने का समय आ गया है। लेकिन वाइफ ढूंढने के बजाय वानिया घोषणा करता है कि उन सभी पर उसका पूर्ण अधिकार है। एक तूफान शुरू हो जाता है और व्लादिमीर सभी वानरों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तूफान वायलेंट हो जाता है और एक बाउंडर आ जाता है। एडवर्ड को बाउंडर में लूसी का पता चलता है और उससे प्यार हो जाता है। वे उसका पीछा करता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडवर्ड उसे दो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है और उन्हें ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एक्साइटेड होकर एडवर्ड आग के एक टुकड़े को वापिस वानरों के पास ले जाता है और इसके बारे में उन्हें बताता है। वे उसे अंदर नहीं आने देते और वानिया के आदेश पर उस पर पत्थर फेंकते हैं। निराश एडवर्ड लूसी के साथ वहां से चला जाता है। वह आग की मदद से एक भेड़िए को उसके ठिकाने से दूर भगाता है और लूसी के साथ एक गुफा में रहने लग जाता है। दूसरे वानर लूसी और एडवर्ड को खरगोशों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हुए और फलों को पकड़ना सीखते हुए देखते हैं। एडवर्ड ने भेड़िए को कंट्रोल करना भी सीख लिया है। वानर वानिया और पुश्तैनी पेड़ को छोड़ देते हैं क्योंकि वे अब और अधिक भूखे नहीं रह सकते। डाइन वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है, लेकिन एक युवा वानर डिएगो साउंड को फॉलो करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं है। ये सब डाइन का किया धरा है। वे वानर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे बच जाता है और सच्चाई का खुलासा करता है। वानर पेड़ को छोड़कर एडवर्ड और लूसी की गुफा में चले जाते हैं। गिजेला नाम की फीमेल वानर, जो हमेशा वानिया से प्यार करती रही है, वहीं रहने का फैसला करती है। लूसी उसके और एडवर्ड के साथ जो वानरों ने किया, इसके लिए वे उन्हें अंदर नहीं आने देती। वानर एडवर्ड से बात करते हैं और उसे अपनी ओर से कुछ करने के लिए कहते हैं।
वे केवल खाना खाकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, इसलिए लूसी उन्हें अंदर आने देती है। वे खाना खाते हैं और इसके बाद वहाँ से नहीं जाते। इसकी बजाय वे गुफा में रुककर उस रात पार्टी करते हैं। वानिया और गेजेला उन्हें उदास चेहरों के साथ देखते हैं। वे महीनों तक देखना जारी रखते हैं क्योंकि वानर खुद का एक नया गांव बनाते हैं। लूसी और एडवर्ड शादीशुदा हैं और वे एक बच्चे के होने की उम्मीद कर रहे हैं। वे बच्चे का नाम एडवर्ड के दोस्त इयान के नाम पर रखने का फैसला करते हैं। इसी बीच डाइन पुश्तैनी पेड़ को छोड़ने के लिए वानरों से बदला लेने की साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम करती है जबकि एडवर्ड निर्माण कार्य में गाँव के बाकी लोगों की मदद करता है और सभी वानर अब एडवर्ड की तरह दो पैरों पर काम करते हैं। वे अब अपने भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं और डिएगो रियलिस्टिक चित्र ड्रॉ कर सकता है। सर्गेई और नए वानरों के बीच एक तरह उत्पन्न हो जाता है जो रहने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं। सर्गेई का कहना है कि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है और वे उन्हें भगा देता है। एडवर्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच एक टिड्डी दल गांव पर हमला कर देती है और वे सब कुछ नष्ट कर देती है। सर्गेई और वानर जानते हैं कि इस काम के लिए वे डाइन जिम्मेदार हैं, इसलिए वे उसके पीछे जाते हैं। वानरों की भीड़ पेड़ के ऊपर पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड वानिया को पुकारता है लेकिन वे कोई जवाब नहीं देता। भीड़ पेड़ पर पहुंच जाती है और वानिया छिपने की जगह से बाहर निकलता है। वानर वादा करते हैं कि अगर वे उन्हें पेड़ को दे देता है तो वे उसे जाने देंगे, लेकिन वानिया वादा करता है कि वे उन्हें जीवित छोड़ देगा यदि वे यहाँ से चले जाएंगे तो। गिजेला राजा का बचाव करने की कोशिश करती है लेकिन सर्गेई वानरों को वानिया पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वानिया वापिस लड़ाई करता है लेकिन वे इतने वानरों के सामने टिक नहीं पाता। एडवर्ड को भी दखल देने से रोका जाता है। सर्गेई वानरों को पेड़ को काटने और आग लगाने का आदेश देता है। एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले गिजेला को बचा लेता है। हालांकि वे एक जलती हुई शाखा के नीचे फंस जाता है। वे वानिया को मदद के लिए बुलाता है। इसके बाद वे एडवर्ड की मदद करता है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं जबकि डाइन पेड़ के अंदर ही मर जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। पेड़ पूरी तरीके से जल गया है और अब वानरों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वानिया और एडवर्ड अपने मतभेदों को समाप्त करते हैं और वानरों के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। सर्गेई वानरों में दहशत पैदा करने की कोशिश करता है लेकिन वानिया की मदद से एडवर्ड वानरों को एक साथ इकट्ठा करता है। वे उन्हें बताता है कि उनके लिए अभी भी एक आशा है और वे सफेद पहाड़ों से परे दुनिया के बारे में बात करता है। वानर सफेद पहाड़ों तक पक्षियों का पीछा करते हैं और वे हरे भरे पेड़ों, पानी और विशाल पहाड़ों से भरी एक नई दुनिया की खोज करते हैं। वानर बहुत खुश हो जाते हैं और एडवर्ड फिर से यान को देखता है। लूसी उन दो दोस्तों को नाचते हुए देखती है और मुस्कुराती है। इस तरह ये